तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लावा की तरफ से आने वाले लावा Z2 Max के बारे में। तो लावा ने अपने इस नई डिवाइस को अपनी Z सीरीज के अंडर इंडिया में लॉन्च किया है। और 6000 mAh बैटरी, 7 inches HD+ डिस्प्ले के साथ ही कई और खास फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही 1 year फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ही आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइस के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो आप कौन से दूसरे मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लावा Z2 Max *Blue और *Cyan दो कलर ऑप्शंस में आता है, और 2GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में देखने को मिलता है। लावा ई स्टोर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ऑफलाइन स्टोर्स में भी ये अवेलेबल होगा। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें 7 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 2.5D कर्व्ड ग्लास और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है। मीडियाटेक हीलियो A20 SoC के साथ ही आता है, और 2GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें मिलती है, जिसे यूजर्स माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 13MP का और एक 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट की साइड इसके ड्रॉप नॉच डिस्प्ले में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 6000 mAh बैटरी इसमें देखने को मिलती है, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। USB Type-C पोर्ट इसमें चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए, और 4G LTE Wi-Fi Bluetooth 5 GPS जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ ही आता है। Android 10 Go एडिशन इसमें देखने को मिलता है। अब बात करें कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक डिवाइस लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Realme Narzo 30A को इस प्राइस रेंज में कंसीडर कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।